बोलिए लाडली लाल की। विपुली ने कहा और लो जो कसर है बाकी पूरी होगी, घोड़ा बनना पड़ेगा। अब बैठ गए ठाट से रथ के ऊपर, घोड़ा लेके हाथ में क्या बोलते और रथ लेके चले दोनों। लेकिन विपुली तो कमजोर पड़ती थी बिचारी। अरे सोचो महालक्ष्मी की अवतार इतनी कोमलांगी जो कमलासना कहलाती है, कमल के ऊपर उनके चरण का निचला भाग रहता है हमेशा कमल की पंखुड़ियों के ऊपर। अब रथ लेके चले नंगे पांव, चप्पल नहीं पहन सकते, गुरु को ले जाना है, चप्पल अप्पल नहीं चलेगा। तो कुछ दूर चली, उसके बाद कंधा उनका यो यो होने लगा नीचे। जब एक तरफ का बैल गड़बड़ करे तो दूसरी तरफ का बैल क्या क्या करेगा फिर। तो चाबुक मारा रुक्मिणी और श्री कृष्ण अपना क्या बड़े विरोध हो रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज ये शिष्य नहीं बन सकती, मैं अकेला ले चलूंगा रथ, बताइए कितनी स्पीड में ले चलूंगा और कहां ले चलूं किस लोक में। तो देखा दुर्वासा ने और कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक, तू पास हो गए, कहीं जाना वाना हमको नहीं था, ये सब मेरा विपरीत व्यवहार की मेरी एक्टिंग थी, जा तू पास हो गया, लेकिन तूने गलती किया है। हाँ महाराज चलते तो गलती हो गई। हाँ हो गई। क्या गलती किया महाराज, हमने कहा था सारे शरीर में खीर पोत लेना, तूने तलवे में नहीं पोता और उसी तलवे में तेरे बाण लगेगा अंतिम समय में। तूने मेरी आज्ञा पूरी पूरी नहीं मानी, सारे शरीर में प्रत्येक अंग में खीर पोता, तलवे में नहीं पोता। ये बता रहा हूं तुम्हें बेसिक कथा, कोई कहानी वाली आम आके नहीं है, सत्य कथा बता रहा हूं मैं। ये विपरीत व्यवहार करते हैं महापुरुष लोग, प्राचीन काल में तो 99% यही हुआ करता था, लेकिन अब इस युग में तुलसी सूरी मीरा कबीर नानक तुकाराम तमाम संत हुए, उन्होंने समय समय पर किया, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि जीव कल्याण करने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई इनकी योग्यता ऐसी नहीं है सहन करने की, कभी कभी मूड में आ जाने पर कर देते हैं थोड़ा समझने के लिए भी कि कुछ थियोरी समझता भी है कि नहीं है, खाली सिर हिलाता है लेक्चर में बैठ करके। हाँ बड़ा अच्छा बोले आप। अरे अच्छा बोले बुरा बोले तो मतलब नहीं है, तुमने हृदय में उसको गांठ लगाकर बांध करके समझ करके पक्का किया, अगर पक्का किया तो हमेशा वो साथ रहना चाहिए ज्ञान, उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। जैसे कोई तुमको तुम्हारा अपमान कर दे, अपमान में जो शब्द बोल दे वो याद हो जाता है, उसने कहा गेट आउट, याद वो नहीं भूलता। तो इसलिए व्यवहार नहीं देखना है, अनुकूल व्यवहार करना, ये तो डर के मारे होता है, नेचुरलिटी नहीं। अगर महापुरुष नेचुरलिटी में रहे तो उसको तो बिल्कुल अनुकूल व्यवहार करने नहीं चाहिए, लेकिन डर ये कि जीव कल्याण करना है, जो महापुरुष जीव कल्याण में नहीं उतरे थे वो जब उनका सीधा व्यवहार करते हैं, इतिहास में पढ़ लीजिए आप, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके पास जाने की। लेकिन जो जीव कल्याण के लिए संसार में आएंगे उनको तो फिर अपनी नेचुरलिटी से नीचे उतरना पड़ेगा,